2024 का बोर्ड परीक्षा देने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं 2024 में जो 22 फरवरी को आपके सामने हिंदी का पेपर आया उसको कॉपी पे कैसे लिखेंगे। देख सकते हैं मेरे पास क्या है, बोर्ड परीक्षा का क्या है, कॉपी भी दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह का कॉपी आपके सामने आएगा, इस तरह का पेपर आएगा और इस प्रकार का OMR शीट आएगा। आप लोग मेरे पास क्या है, बोर्ड का कॉपी भी है, बोर्ड का पेपर भी है और मेरे पास OMR शीट है, तो बिल्कुल इसी तरह का पेपर, इसी तरह का प्रश्न पत्र और इसी तरह का OMR शीट मिलेगा। इसी में आपको क्या करना है, पूरे पेपर का सोल्यूशन करना है। अगर आपका भी सपना है कि हिंदी में आपको पूर्णांक में पूर्णांक मिले, यानी 100 में 100 नंबर पाने का सपना देखते हैं, तो आपने कितना भी तैयारी कर लिया है लेकिन आपको ये नहीं पता कि हिंदी का पेपर कैसे लिखना है, किस प्रकार OMR शीट भरना है, कैसे का पेपर का फर्स्ट पेज क्या करेंगे भरेंगे, कैसे आपको हेडिंग बनाना है, गलती आपको नहीं करना है ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 नंबर मिल जाए। तो अगर आपका भी सपना है बोर्ड परीक्षा 2024 में 22 फरवरी को हिंदी में 100 में 100 नंबर पाने का, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे 15 से 20 नंबर आपका वैसे ही बढ़ जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेगा उनको नहीं समझ में आएगा कॉपी कैसे लिखे, ताकि एग्जामिनर एक नजर में देखे और हमें पूरा का पूरा नंबर दे, तो बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके आपको बताने वाला हूं, लिख के दिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखेगा। बताने वाला कि एक टॉपर स्टूडेंट कैसे पेपर को लिखता है, कैसे सॉल्व करता है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेपर आएगा, यहाँ पे आपको अनुपूर्णांक लिख लेना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जैसे देख सकते हैं रोल नंबर और यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम मैंने लिखा है। इस प्रकार क्या होगा, OMR शीट आएगा, यहीं पे आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पेज दिया गया है इसको हम लोग भर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बोर्ड परीक्षा में, आपको ये जो फर्स्ट पेज दिया गया इसे ही भरना है। आपको भर के दिखाते हैं, पहला आपको लिखा गया परीक्षार्थी का अनुपूर्णांक अंकों में लिखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पेपर पे क्या किया है, ये अनुपूर्णांक लिखा है, क्योंकि पेपर पे आपको लिखने के लिए देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, आपका ना रोल नंबर लिख लेना है, तो यहाँ पे रोल नंबर मेरा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया गया, 2 है तो यहाँ पे 2 आपको लिखना है, एक ही पास आपको लिखना है 2 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया, फिर हमारा क्या है 9-4 है, तो यहाँ पे 9-4 हम लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या है 3-7 है, तो 3-7 लिखेंगे, 3-1 है तो 3-1 लिखेंगे, 3-1 लिखेंगे। इसके बाद से देखिए आपको लिखा है परीक्षार्थी का अनुपूर्णांक शब्दों में, तो यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना, एक एक पॉइंट को ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए आपको लिखना एक, जैसे पहला हमारा एक है तो एक लिखेगा, कॉमा आपको नहीं लगाना है, फिर हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना है शब्दों में, फिर देखिए 4 है तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है, फिर हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर हमारा क्या है 9 है तो यहाँ पे आपको 9 लिखना है, फिर आपका क्या है 4 है तो आपको 4 लिखना है, फिर देखिए आपका 3 है तो आपको 3 लिखना है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखिएगा इसके बाद 7 है तो आपको 7 लिखना है, बाकी अगर यहाँ पे नहीं अटता है तो आपको नीचे लिख लेना है, 7 के बाद से आपको लिखना है 3 लिखना है यहाँ पे, तो 3 हम लिख देते हैं, फिर आपका क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, तो इसके से यहाँ पे अंकों में लिखना है। होप आपको समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट में आपको अपना रोल नंबर लिखना है, फिर आपको शब्दों में लिखना है, एक एक अक्षर आपको लिखना है, याद रखिएगा आपको करोड़ लाख में नहीं लिखना है। आपके सामने यहाँ पे लिखा रहेगा तीसरा वाला विषय और प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, तो यहाँ पे देखिएगा विषय में आपको क्या करना है, अगर हिंदी का हम करेंगे तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, अंग्रेजी करेंगे तो अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद से दिया गया प्रश्न पत्र, तो आप सभी को याद रखना है कि हिंदी का एक ही पेपर होता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है केवल, क्या लिखना है आपको केवल लिख देना है, और इसके बाद से देखिए आपको दिया गया है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, सकते हैं यही आपका क्या है संकेतांक दिया हुआ, यही पेपर का क्या है कोड है, तो 801DD है, तो यहाँ पे आप लोग बॉक्स में क्या भरिएगा संकेतांक में हो जाएगा आपका 801 हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे डी और यहाँ पर भी लिख देंगे हम डी, का क्या हो गया संकेतांक हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से देखिएगा अगला जो आपको दिया गया है पॉइंट कि परीक्षा का दिन आपको लिखना है, कि 22 फरवरी को आपको क्या है हिंदी का पेपर है और इस दिन हमारा क्या है बृहस्पतिवार है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बृहस्पतिवार, क्या करना आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है, जिस दिन भी आपका पेपर होगा उस दिन को आप लोग जरूर लिखेगा। इसके बाद से देखिए जो अगला कॉलम हमको दिया गया है परीक्षा की तिथि एवं पाली दिया गया है, तो परीक्षा हमारा कब है, हमारा क्या है 22 फरवरी को हमारा पेपर है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे 22 फरवरी दूसरा महीना 2024 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, हमसे पाली पूछा हुआ है, तो सुबह आपका पेपर होता है स्कूल का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रथम पाली आपका क्या है प्रथम पाली आपका हो जाएगा। इसके बाद से देखिए आपको लिखना है केंद्र का नाम लिखना है, मतलब जहां पर भी आपका पेपर हो रहा है उस विद्यालय का क्या करना है आपको नाम लिखना है। सिंपली जो हमारा पेपर है मान के चलिए हमारा कांति देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कांति देवी, यहाँ पे आपको लिख देना है इंटरमीडिएट, यहाँ पे लिखना आपको इंटरमीडिएट, यहाँ पे क्या करना आपको कॉलेज वगैरह का नाम क्या करना आपको लिख देना। आपको समझ में आ गया इतना काम सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पेपर रहेगा और यहाँ पे पेपर में हमें क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है वायरल पेपर है 2024 बोर्ड परीक्षा का, पूरा पेपर आपको दिया गया है, जैसे पेपर आपके सामने आएगा बिल्कुल उसी प्रकार का देख सकते हैं, यहाँ पे खंड ब भी दिया गया है देख सकते हैं, और इसी पेपर का मैं आपको सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, OMR शीट भी आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा आपके सामने लिखा रहेगा, अनुक्रमांक वगैरह सब लिखा रहता है, सिर्फ आपको यहाँ पे टिक करना होता है, लेकिन एक चीज लिखा हुआ है प्रश्न पत्र मार्का लिखा गया है, तो हमारा पेपर क्या
था डीडी था, तो यहाँ पे डी लिख देना है और यहाँ पर भी क्या करना है डी लिख देना, मतलब जो कोड रहेगा ना उसका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आपको लिख देना है। और यहाँ पे डी जहाँ होगा उसको क्या करना, अच्छी तरीके से ऐसे क्या करना है गोला बना देना है। तो आप लोग काले कलम से क्या करिएगा गोला बनाइएगा बिल्कुल आराम से, यहाँ पे क्या करना है बनाना, आप देख सकते हैं ये आपको सही तरीका बताया है, ये गलत तरीका है। तो यहाँ पे क्या करना अच्छा से यहाँ पे डी पे कर देना है और ये भी हमारा डी ही है क्योंकि हमारे पेपर का कोड है 801 DD। तो यहाँ पे हम DD यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे गोला बना देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको हस्ताक्षर लिखा हुआ है तो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार क्या करते हैं अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं, ये केंद्र व्यवस्थापक का मोहर होगा, इसको हम लोग नहीं टिक करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पेपर का सोल्यूशन कराते हैं और बताते हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। देखिए जो आपके सामने खंड अ होगा इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको क्या करना ओएमआर शीट पे देना है। जैसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है हमारी किस विधा की रचना है, आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। इस पेपर में चार ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे नाटक है, उपन्यास है, निबंध और यहाँ पे लिखा गया। तो आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हमारा निबंध हो जाएगा। तो पहले का हमारा करेक्ट आंसर ग वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओएमआर शीट लेना है और यहाँ पे पहले का क्या करना आपको सी वाला यहाँ पे क्या करना अच्छे से आपको गोला बना देना, ये बॉक्स से बाहर नहीं होना चाहिए, ये जो गोला आपको बनाया गया है इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो सिंपली इस तरह से क्या करना आपको पूरा ब्लैक कलम से क्या करना फिल कर देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आपको बनाना है। मान के चलिए दूसरा जो हमको प्रश्न दिया गया है, ये दिया गया कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय का है, यानी दूसरा का ख वाला सही है। तो यहाँ पे दूसरा का बी वाला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे हम लोग ब्लैक कलम से क्या करना आपको अच्छे से ऐसे गोला बना देना है, ये पूरा भरना, ये देखिए आपको सही तरीका दिखा रहा है, ये पूरा क्या करना आपको फिल करना है, तभी जाके आपका ओएमआर शीट क्या होगा चेक होगा। इस तरह क्या कर सकते हैं सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। सामने कुछ इस प्रकार का पेपर आएगा, सबसे पहले क्या करना आपको स्केल लेना है और यहाँ पे क्या करना है कि सीधा लाइन आपको खींचना है। तो आप ब्लैक कलम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक स्केच का, तो इस तरीके से क्या करना आपको नीचे तक क्या करना है लाइन खींच लेना है। आप चाहे तो इसको डबल भी कर सकते हैं। तो मैं खंड ब का सोल्यूशन करा देता हूँ, पेपर का हम खंड ब का सोल्यूशन करा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, दो यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है खंड ब, क्या लिखना है आपको यहाँ पे लिखना है खंड ब आपको लिख देना है पे सिंपली। और इसके बाद से देखिएगा आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, इसके बाद से लिखना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या, ध्यान से देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या हमारा क्या है पहला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहला आपको डाल दे रहा है स्केल रख के, इसके नीचे क्या करना आपको स्केल रख के सिंपली इसको क्या करना है ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, इसके नीचे भी क्या करना आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, आपको याद रखना ये अच्छा लगता है, इतना आप लोग कर लेंगे। और जो भी गद्यांश आपको दिया गया है यहाँ पे इसका संकेत लिख लेना है, इसमें देखिएगा दो गद्यांश देता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अथवा करके भी आपको दिया गया है। तो मैं पहले वाले का सोल्यूशन करा रहा हूं, अभी अथवा वाला भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको शुरू का कुछ शब्द लिखना है, बीच में डैश डैश करना और लास्ट का लिख देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता चलता है कि आपने कौन सा गद्यांश किया है। उसके बाद से आपको अ दिया गया है तो अ लिखेगा, रोमन नंबर में एक है तो रोमन नंबर एक लिखेगा। और यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना है, संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है, पेपर में कैसे लिखा जाता है, सारी चीजें देख लीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार लिखेंगे तभी जाकर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। जैसे आपको लिखना है संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आप सभी जानते हैं कि संघ का जोर वाला जो हमारा गद्यांश है वो क्या है मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे गद्य खंड हो गया, मित्रता हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, इनको क्या करना है कलर चेंज करके लिखेंगे तभी आपका बेहतरीन होगा। दूसरा हमसे पूछा हुआ था रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए, तो आपको यहाँ पे दो नंबर लिख लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है व्याख्या। जैसे रेखांकित अंश दिखा भी देता हूं, आप देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक क्या किया गया है रेखांकित किया गया है और इसी का आंसर हमें लिखना है, नंबर डाल देना और आपको लिख देना है व्याख्या। और आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मित्रता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि, देखिएगा ये लाइन अपने तरफ से आपको लिखना है। उसके बाद से लिखना है कि बुरी संगत भयानक रोग के समान होता है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को, अगर आपको अगले पेज पे लिखना है तो यहाँ पे डैश कर दीजिएगा और अगले पेज पे क्या करना आपको लिखना है। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं, आपको दिया गया वी नष्ट कर देती है, युवक संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैर में बल जाती है, वह गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो यहां तक आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। परीक्षा में आपको कोई भी यहाँ पे अंडरलाइन दे सकता है, हो सकता है कि आपको ऊपर वाला भी अंडरलाइन दे सकता है, आपको बीच वाला भी अंडरलाइन दे सकता है, नीचे वाला भी अंडरलाइन दे सकता है, रेखांकित कर सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है पूरा इसका क्या किया है व्याख्या कर दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए तीसरा वाला जो प्रश्न हमसे पूछ
पूछा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है, तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है 3 नंबर, और यहाँ पे इसका आंसर लिखना है कि कुसंग पैरों में बधी चक्की के समान किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होता है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल ऐसे साफ साफ क्या करेंगे लिखेंगे, आप लोग अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तभी जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। पता है कि आपको ये समझ में आ गया हो कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे व्याख्या करना है। इसी प्रकार मैंने प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन आपको कॉपी पे लिख के बताया है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 का सोल्यूशन आपको कराते हैं। आपको प्रश्न नंबर 1 में अथवा देख सकते हैं, आपको अथवा करके दिया गया, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको रेखांकित किया गया है और यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न पूछा गया। आपको यहाँ पे गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंकों की व्याख्या करना है, और इन्होंने पूछा है विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार हो सकता है, इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए, इसको भी आप लोग देख लेंगे। इसका मैं सोल्यूशन आपको नहीं करा रहा हूं। इसके बाद से देखिएगा आपके सामने आएगा प्रश्न नंबर 2 और ये भी 6 नंबर का प्रश्न होगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या दिया जाएगा, पद्यांश दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न इसमें ही पूछा गया जैसे पहला पूछा गया है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, आपको दूसरा पूछा जाएगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए, और तीसरा आपको अलंकार पूछा जाएगा। अभी मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ, ध्यान से इस पद्यांश को पढ़ लीजिए और आप लोग पहचान लीजिए कि जो पद्यांश दिया गया है किस पाठ से दिया गया है और इसके कवि कौन है। देखिए वही जो प्रश्न मैंने बताया आपको 2 और दिया हुआ है, और अथवा में भी आप लोग देख सकते हैं आपको बहुत ही शानदार दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर भी रेखांकित किया गया है और यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम पहले वाले का करा देते हैं, उधो मुनि ब्रज विसरत नाई वाला का मैं करा देता हूँ। तो चलिए आपको सबसे पहले संदर्भ बताते हैं कैसे लिखना है। प्रश्न आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा आपको डालना पड़ेगा। यहाँ भी आपको संकेत लिख देना है, शुरू का कुछ शब्द लिखना है और डैश डैश करके लास्ट वाला देना है, अच्छे से हेडिंग बनाना है, संदर्भ देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह से आप लोग लिखेगा। आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, इसके कवि क्या है, सूरदास जी है। तो यहाँ पे जो भी चीज है इसको थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लीजिए ताकि अच्छे से एग्जामिनर पहचान सके क्या लिखा गया है। फिर दूसरा हमसे पूछा गया था रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो मैंने आपको रेखांकित अंश दिखाया था और यहाँ पे व्याख्या आपको कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पे आपको हेडिंग बना लेना है 2 नंबर व्याख्या, और आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में श्री कहते हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, लाए नहीं जाते आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटी गांव घने कुंजों की छाया सभी के सुखों सता रहे हैं। तो यही इसका व्याख्या हो जाएगा, सिंपल सा 2 लाइन हमारा क्या था, रेखांकित था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे अलंकार, तो चलिए तीसरा वाला का हम सोल्यूशन आपको करा देते हैं, लेकिन तरीका देख लीजिए लिखने का, तरीका साफ साफ दूर दूर आपको लिखना है ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल जाए। तो चलिए आपको तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन करा देते हैं। तीसरा में हमने तो यहाँ पे 3 नंबर डाल दिया मैंने और यहाँ पे अलंकार लिखा है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि ब्रज विसरत वृंदावन गोकुल वन उपवन में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे जनरली अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको तरीका समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार मैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर दिखाने वाला हूं। मैं सिर्फ प्रश्न नहीं कराऊंगा, क्योंकि बिल्कुल 100% रियल वायरल मॉडल पेपर है, तो पूरे प्रश्नों का सोल्यूशन मैं जरूर कराऊंगा ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल सके। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपको आते हैं क्या दिया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर जो 3 आपको दिया गया है, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, यहाँ पे पहला आपको दिखाई रहा होगा, इसके अलावा अथवा करके भी आपको दिया गया है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। इसका भी मैं सोल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा, आपको एक एक चीज बताऊंगा। पहले आपको अथवा वाला भी दिखा देते हैं, क्योंकि मैं पहले वाले का सोल्यूशन कराऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए वाला दूसरा, तो चलिए अथवा वाला भी दिखा देते हैं और इसका आपको सोल्यूशन करा देते हैं। तो इसको सभी लोग पढ़ लीजिए और पहचान लीजिए किस पाठ से लिया गया है, उसके बाद सोल्यूशन कराएंगे। आप देख सकते हैं आपको अथवा करके एक और यहाँ पे गद्यांश दिया गया है संस्कृत का, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं पहला वाला कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिए आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे 3 लिखना है, शुरू का कुछ शब्द लिखना है और लास्ट का कुछ शब्द लिखना है। ये चीजें आपको मैंने बता दिया, ये बहुत ही जरूरी है लिखना है। इसके बाद से आपको हेडिंग बनाना है, संदर्भ, और संदर्भ में कैसे लिखना है ध्यान से देखिएगा। इसको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। तो ध्यान से देखिए, इसमें कोई लेखक वगैरह नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ आपको लिख देना है संस्कृत खंड और यहाँ पे पाठ का नाम लिख देना है, यही आपका संदर्भ हो जाएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मैंने सटीक अनुवाद लिखा है, मैंने लिखा है कि प्राचीन काल से घर घर में विधा का प्रकाश चमक रहा है, इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा
निरंतर बढ़ती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यह अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारत ही न, पेज ये भर जाता है तो आपको यहाँ पे डैश कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद अगले पेज पे आपको लिखना है, तो चलिए आगे का लाइन आपको दिखा देते हैं। आगे का लाइन भी आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है, बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनके नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। और बोर्ड परीक्षा में जितना ही आप लोग बढ़िया लिखेंगे, जितना ही साफ लिखेंगे, उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि चार नंबर का प्रश्न क्या आएगा बोर्ड परीक्षा में। आप देखिए, जो चार नंबर का प्रश्न होगा ये भी आपका पांच नंबर का होगा। बोर्ड परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किस सहित हिंदी में अनुवाद करना, यानी आपको गद्यांश दिया गया था और यहाँ पे पद्यांश देगा, दो श्लोक देगा, किस एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे देख सकते हैं पहला वाला आपको दिया गया है, ये दूसरा वाला दिया गया है, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एक का करना है। तो चलिए पहले वाले का करा देते हैं और बताते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए। प्रश्नोत्तर संख्या चार, और यहाँ पे शुरू का और यहाँ पे लास्ट का कुछ लिख देना है, कुछ शब्द आपको लिख देना है, और यहाँ पे हेडिंग बनाना है संदर्भ, चूंकि हमें संदर्भ लिखना और अनुवाद करना है। तो संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक, चूंकि हमारा एक श्लोक है तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा संदर्भ को। और अनुवाद यहाँ पे हेडिंग लिखना है, और आपको लिखना है कि यदि तुम, ये अर्जुन के लिए कहा गया है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पाओगे। यही इसका क्या है, हिंदी अनुवाद है। इसका क्या होता है, साठ अनुवाद होता है, क्योंकि दो लाइन का श्लोक पूछा जाता है, और सिंपली आप लोग लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको प्रश्न नंबर पांच दिखाते हैं। यहाँ पे सामने जो प्रश्न नंबर पांच आएगा, यहाँ पे आपको तीन नंबर मिलेगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे तीन नंबर है। इसमें दो प्रश्न दिया जाएगा, किसी एक प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जिसमें आपको तीन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलता है, जैसे कहीं ज्योति जवाहर चलता होगा, कहीं मुक्ति दूत चलता होगा। बिलोंग करता हूँ कुशीनगर जिले से, उसमें क्या होता है मेवाड़ मुकुट चलता है, तो मैं उसी का ही सोल्यूशन कराऊंगा। जिले में मेवाड़ मुकुट नहीं चलता है, कुछ और चलता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मेरे जिले में जो चल रहा है उसका मैं सोल्यूशन करा दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके जिले का भी मैं सोल्यूशन करा दूंगा। तो चलिए मैं मेवाड़ मुकुट में देख लेता हूँ कौन सा प्रश्न दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे खंड काव्य दिया गया, जैसे देख सकते हैं मेरे जिलों में जो चलता है ये घो वाला चलता है, मेवाड़ मुकुट चलता है, ठीक है ना, मैं इसी का सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो इसमें दो प्रश्न है कि मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, तो मैं इसी को करा रहा हूँ, चूंकि हर बार क्या होता है बोर्ड परीक्षा में आता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि मेवाड़ मुकुट के जो नायक महाराणा प्रताप जी, उसका हम लोग चरित्र चित्रण कैसे करते हैं, तो आपको सोल्यूशन दिखा देते हैं। आपको डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या पांच, और यहाँ पे घो का मैं कर रहा हूँ, तो मैंने घोल डाल लिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि नायक का चरित्र चित्रण। पहला आपको हेडिंग बनाना है देश प्रेमी, चूंकि जो महाराणा प्रताप थे वो देश प्रेमी थे, उनके गुणों को आपको बताना है। तो आपको लिखना है कि महाराणा प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है, वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं। वह कहते हैं कि मैं स्वदेश के हित जीवित हूँ, मरूंगा। तो कुछ इस तरह का लाइन क्या करना आपको लिख लेना है, हो जाएगा हेडिंग हो जाएगा। इन हेडिंगों को आप लोग याद रखिएगा, बाकी चीज अपने तरफ से बना सकते हैं। आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप क्या थे, एक वीर पुरुष थे, और वीर पुरुष के बारे में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सटीक बता रहा हूँ। आप चाहे तो अपने भाषा में भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप इन हेडिंगों को जरूर याद करिएगा अगर आपके जिले में मेवाड़ मुकुट चलता होगा। जैसे देखिएगा, दूसरा जो हेडिंग बनाना है बहुत ही शानदार हेडिंग है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दूसरा आपको हेडिंग बनाना है कि उदार और भावुक हृदय। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार है, वे शत्रु की कन्या दौलत को भी अपनी पुत्री के समान। आगे हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम डैश करेंगे और अगले पेज पे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे लिखना है। आपको आगे लिखना है कि पालते हैं वे शत्रु की पुत्री से भी प्रेम करते हैं, अपने भाई शक्ति सिंह के अकबर के साथ मिल जाने पर भी उसे उसकी मूर्खता ही मानते हैं, अंत में उसे क्षमा कर देते हैं। तो भाई वो उदार हृदय थे, वो क्षमाशील थे, तभी ऐसा कर पाते हैं। तो ये चीज आपको लिख देना है। तीसरा आपको हेडिंग बनाना है स्वाभिमानी बनाना है, क्योंकि ये भी क्या उनकी विशेषता है। और आपको क्या लिखना है
क्षत्रियोचित स्वाभिमान विद्यमान है, इसलिए भामाशाह के द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाले अपरिमित धन को स्वीकार करना वे अपने स्वाभिमान के विरुद्ध मानते हैं। और वे कहते हैं, राजवंश ने जिसको जो कुछ दिया है न वापस लूंगा, शेष प्राण है अभी, देश हित हस्तगत करूंगा, ये उनका कथन है। इसको भी आपको लिख देना है। चलिए आपको चौथा हेडिंग बताते हैं क्या बनाना है। आपको चौथा हेडिंग बनाना है दृढ़, और यहाँ पे आपको लिखना है कि राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ है, वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में श्वास है, मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र कराने का प्रयास करता रहूंगा। ये चौथा लिखना है। और पांचवा आपको हेडिंग बनाना है पराक्रमी, और इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, बहुत ही शानदार आपको लाइन लिखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना है कि महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की स्मिता दर्शनीय है, वे युद्ध स्थल में शत्रुओं को धराशायी करने में पूर्ण सक्षम है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लास्ट में यहाँ पे निष्कर्ष लिख देना, आप चाहे तो हेडिंग बना सकते हैं निष्कर्ष, और आपको लिखना है कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्त उदार हृदय त्यागी दृढ़ प्रतीक निर्भीक और स्वाभिमानी लौह पुरुष है, या आपने जो हेडिंग बनाया उसी को लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन करा देते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस जिलों से बिलोंग करते हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। आपके सामने जो अगला प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में वो आएगा प्रश्न नंबर 6, इसमें क और ख रहेगा। क में आपको देगा लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, और में आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है तो 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए लेखक में आपको तैयार करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती का, और यहाँ पे कवि में आपको तैयार कर लेना है तुलसीदास का, सूरदास का, सुमित्रा नंदन पंत का। ये वायरल पेपर में है चुकी है, ये बोर्ड परीक्षा में आपका आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहला वाला जो आपको दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको बताते हैं कैसे लिखना है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। सबसे पहले जब कॉपी मिलेगा तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 6, और यहाँ पे अगर आप क करेंगे तो क लिखिएगा, ख करेंगे तो ख लिखिएगा, ग करेंगे तो ग लिखिएगा। तो हम यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क लिख दिया और हेडिंग बना लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा आपको बगल में एक और भी यहाँ पे कॉलम छोटा सा एक बॉक्स बनाना है, और इसमें क्या करना है मेन चीजों को लिख देना, जैसे जन्म लिख देना है, जन्म स्थान लिख देना है, पिता का लिख देना, शिक्षा है तो शिक्षा को लिख दीजिएगा, रचना है तो रचनाओं को लिखना है, मृत को लिखना है। ये चार्ट आप लोग जरूर बनाइएगा। नजर सबसे पहले इसी पे जाता है और चेक करता है क्या सारी चीजें स्टूडेंट ने लिखा है कि नहीं लिखा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये चीज आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। पॉइंट के माध्यम से आपको जीवन परिचय लिखना है। जैसे देखिए मैंने कैसे लिखा है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार एवं आलोचक, ये लाइन जरूर लिखिएगा क्योंकि वो निबंधकार है और हमारे आलोचक है, तो ये लाइन आपको जरूर लिखना है। शुरुआत का लाइन बेहतरीन होना चाहिए, इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा कि हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपने लिखा है इसको काले कलम से आपको लिखना है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और ये आप लिखना है इनके पिता का नाम चंद्रबलि शुक्ल तथा माता का नाम भिवासी देवी था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। आप शिक्षा को चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मेहनत के बल पर नागरी प्रचारणी सभा नामक पत्रिका का भी संपादन किया। आगे की चीजों मैं डैश करके आपको दिखा देता हूं, लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिए। यही क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताया है कम शब्दों में, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आपको बताते हैं आगे क्या लिखा। आपको लिखना है कि श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी सन 1941 में इनका देहावसान हो गया। लास्ट में ये चीजें लिख देना है। यहाँ पे आपको हेडिंग बना लेना है प्रमुख रचना है, जैसे चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, मित्रता आदि क्या है इनकी प्रमुख रचना है। ये सारी चीज आपको लिख देना है। यही क्या हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे तो पूरा आपका पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए ख वाले में हमसे कवि का जीवन परिचय पूछा गया है। देख सकते हैं कवियों में आपको तुलसीदास, सूरदास और सुमित्रा नंदन पंत है, तो मैं पहले वाले का करा देता हूँ। पहले वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 6, यहाँ पे ख नंबर आपको लिखना है तुलसीदास का जीवन परिचय। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपको लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर का नजर सबसे पहले यहीं पे जाता है और इन्हीं के माध्यम से आप लोग इस जीवन परिचय को लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए कैसे मैंने लिखा है। मैंने लिखा है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कलर वगैरह मैंने चेंज किया, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, इनकी पत्नी का नाम रतनावली था। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको काले कलम से जरूर लिखना है, अंडरलाइन जरूर।
जरूर करना है, क्योंकि यही सब क्या होता है बोर्ड एग्जामों में चेक किया जाता है। इसके बाद लिखना है कि इनका अधिकांश जीवन काशी अयोध्या और चित्रकूट में बीता, इनकी मृत्यु काशी के सन 1632 ईस्वी में हो गया। तो ये क्या हो गया इनका पूरा डिटेल हो गया, क्योंकि काफी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो एग्जामिनर को क्या होगा आसानी से पढ़ सकता है कि क्या बच्चे को जन्म पता है, मृत्यु पता है, रचनाएं पता है, शिक्षा पता है, जन्म स्थान पता है, इनके माता पिता का नाम पता है कि नहीं पता है। अगर इतना पढ़ लेगा तभी आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर स्टूडेंट को मेन पॉइंट पता है तो जीवन पर अच्छा लिखा होगा। चलिए आपको आगे बताते हैं कैसे लिखना है। लास्ट में आपको रचनाएं लिखना है, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट रचना है जैसे रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, कवितावली है, जानकी मंगल इत्यादि, इनकी प्रमुख रचना आपको लिख देना है। नंबर 7 बताते हैं क्या आएगा। आपके सामने जो प्रश्न नंबर 7 आएगा ये 2 नंबर का, इसमें एक श्लोक देगा लेकिन आपको बोलेगा कि जो पेपर में आपका श्लोक उसे नहीं लिखना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे श्लोक लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 7, लेकिन मेरे पेपर में क्या था, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला नहीं था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे वदन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मैंने लिख दिया है क्योंकि हमारे बोर्ड परीक्षा में ये नहीं पूछा गया, तो जो बोर्ड परीक्षा में नहीं होगा उसी को आपको लिखना है। ये बहुत आसान होता है और हर बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको तैयार करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 का सलूशन आपको करा देते हैं। वन्ना भारती, माय फादर नेम इज लालाराम, माय मदर नेम इज कामिनी, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आई एम बिलोंग टू बदायूं डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूपी, और मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। आपको प्रश्न नंबर 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए मित्र को पत्र लिखिए अथवा आपको दिया गया है फीस माफी है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले के करा दे रहा हूँ, अथवा वाला, ठीक है ना। फीस माफी है तो प्रधानाचार्य को पत्र से समझना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल करते, इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए आपको इसका सलूशन करा देते हैं। लेकिन आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 8, और आपको लिखना है कि सेवा में इतना श्रीमान प्रधानाचार्य जी विद्यालय का नाम जो भी होगा आप लोग लिख सकते हैं, अपने विद्यालय का भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ विषय आपको डाल देना है फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, और आपको लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वह एक मामूली सी दुकान पर काम करते हैं, उनका वेतन बहुत ही कम है, वह मेरा फीस नहीं दे सकते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरा फीस माफ कर दे। यही क्या हो जाएगा, फीस माफी पे हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पे डेट वगैरह आपको लिख देना है, 22 फरवरी 2024 का पेपर है तो 22 फरवरी 2024 लिखिएगा, आपको लिख देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। लेकिन ध्यान आपको देना है कि यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना अपना, आप विद्यालय का नाम लिख सकते हैं बट अपना नाम आप लोग मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा कक्षा 10वीं आपको लिख देना है। यही क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। तो सबसे शानदार तरीके से मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया है, कुछ चीजें भी आपको ध्यान देना, देखिएगा कौन सा लाइन कहां से शुरू करना है, देख सकते हैं यहां पे मैंने शुरू किया है, यहां पे कॉमा है, यहां पे कॉमा है, फिर मैंने यहां से शुरू किया है, फिर मैंने यहां से शुरू किया है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन लिखने का एक बेहतरीन तरीका होता है, वो तरीका मैंने बता दिया। और आप सभी को बता दूं कि कभी भी एप्लीकेशन आपको सिंगल पेज पे लिखना है, ऐसा नहीं कि आधा इस पेज पे लिखिए आधा अगले पेज पे लिखेगा, प्रार्थना पत्र लिखेगा तो एक ही पेज पे आपको लिखना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए आपको प्रश्न नंबर 9 बता देते हैं क्या है और उसका सलूशन भी आपको करा देते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 4 प्रश्न आपको संस्कृत का दिया जाएगा, किन्हीं 2 प्रश्नों का ही क्या करना आपको उत्तर देना है, लेकिन मैं 4ों का आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा पूछा हुआ है कुत्र मंगलम मंगलम भवति, तो यहाँ क्या करना आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 9, और पहला के आंसर हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम बहुत। दूसरा हुआ है कि वेरा केन पूजते, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विरह बिरेण पूजते। इसके अलावा 2 और भी प्रश्न आपको दिया गया है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं और आंसर भी बता देते हैं कि 2 और प्रश्न आपको दिया गया है, पदेन बिना किम दूर यति, और आपको दिया गया है चंद्रशेखरा को आसित। तो इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूं, आप लोग देख सकते हैं, यही इन दोनों प्रश्नों का आंसर है। 4ों प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको 10 नंबर का प्रश्न बताते हैं, बोर्ड परीक्षा में क्या पूछा जाए। 10 नंबर का जो प्रश्न होगा आपको निबंध लिखने के लिए बोलेगा, 7 नंबर का होगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध है, जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण प्रदूषण है, छात्र जीवन अनुशासन का महत्व है, और सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान, इनको जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि यही क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं एक करा देता हूं, जनसंख्या वृद्धि वाला करा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेगा, एक एक हेडिंग को देखिएगा कि कैसे आपको जनसंख्या वृद्धि पे निबंध लिखना है। तो चलिए आपको आंसर बता देते हैं, आपको यहाँ पे हेडिंग बना लेना है, आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 10, आपको जिस भी टॉपिक पे निबंध लिखना है आपको टॉपिक लिख देना है, जैसे मैं जनसंख्या वृद्धि
पे लिखा हूँ तो मैं लिख दूंगा जनसंख्या वृद्धि। आपको पहला हेडिंग बनाना है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आपको लिखना है कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से विकास कर रही है। आप सभी को पता है कि भारत पहले दूसरे नंबर पे था, अब नंबर वन पे आ गया है। तो आप सभी को पता है कि भाई ये लेटेस्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो इस पे आपसे निबंध पूछा ही जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है, इसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको आगे बताना है। तो पहला आपको प्रस्तावना में इतना चीजें लिख लेना है, उसके बाद से आपको हेडिंग बनाना है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो भाई जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि के बहुत से कारण है, इसमें से मुख्य कारण निम्नलिखित है, तो आपको एक एक हेडिंग बना के क्या करना है, कारणों को बताना है। तो चलिए आपको कारणों को बता देते हैं। बहुत सारा कारण है, जैसे आपको पहला लिखना है जागरूकता की कमी। आपको लिखना है कि लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। लोगों को नहीं पता है भाई जनसंख्या बढ़ी तो इसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ये आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है शिक्षा, क्योंकि ये भी मुख्य कारण है। आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारणों में अशिक्षा भी एक प्रमुख कारण है। भारत में अभी भी अशिक्षा व्याप्त है और कई ग्रामीण इलाके ऐसे है जहाँ लोगों के पास शिक्षा प्राप्ति के लिए कोई भी स्रोत नहीं है, तो ये भी एक कारण है। अगला आपको लिखना है गरीबी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपको लिखना है कि गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से, गरीब भिखारी इसलिए ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं ताकि उनसे भीख मंगवा सके और अपने परिवार का पेट भर सके, ये क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। कुछ और भी कारण है, चलिए आपको आगे बता देते हैं। हेडिंग होना चाहिए घटती मृत्यु दर। आप सभी जानते हैं कि भाई लोग क्या हो रहे हैं, कम मर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि विज्ञान बहुत आगे चल चुका है, बहुत सारी दवाइयां और मशीन बन चुके हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि वर्तमान में विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि असंभव से असंभव बीमारी के इलाज को संभव कर दिखाया है। एक्सरे लेजर तकनीक के आ जाने से बड़े ऑपरेशन के हैं। यदि एक और अधिक उम्र वाले लोगों की मृत्यु नहीं हो तो दूसरी ओर लोग परिवार बढ़ाने, फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके बाद से जो आपको हेडिंग बनाना है वो लिखना है जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, इसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की कमी, पर्यावरण पर प्रभाव, बेरोजगारी में वृद्धि, सामाजिक प्रभाव इत्यादि समस्या देखने के लिए मिल रही है। चलिए आपको आगे बताओ, अगला हेडिंग बनाना है जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, चूंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चूंकि मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बता रहा हूँ, चूंकि आप सभी जानते हैं कि मैं धीरे धीरे बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके पढ़ सकते हैं, अपने अपने तरफ से लिख सकते हैं। मैं एक क्लू दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको लिखना है कि इस भयंकर समस्या को रोकने का निम्न उपाय है या निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला है जागरूकता, कुछ सामाजिक कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, संस्कृति कार्यक्रम, तरह तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, इसके द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि रोका जा सकता है। इसके बाद से आपको हेडिंग बनाना है परिवार नियोजन कार्यक्रम। आपको लिखना है कि परिवार नियोजन संबंधित शिक्षा, कॉपर टी नसबंदी, गर्भनिरोधक गोलियां, कंडोम इत्यादि की जानकारी देकर तथा इसका प्रचार कर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो ये भी आपको हेडिंग बना सकते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट हेडिंग बताते हैं क्या बनाना है। अगला हेडिंग बनाना है यौन शिक्षा। आपको लिखना है हम भले ही कितने आधुनिक होने का दिखावा करते हैं किंतु हमारे समाज की सोच आज भी रूढ़िवादी है। इनके जानकारियों का प्रचार प्रसार कर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। और लास्ट में जो आपको हेडिंग बनाना उपसंहार बताना है, बोर्ड परीक्षा में शुरू का हेडिंग और लास्ट का हेडिंग अच्छे से चेक किया जाता है। तो आप लोग प्रस्तावना और उपसंहार को अच्छे से लिखिए। जैसे आपको लिखना है कि कठिनाइयां यह है कि यह युग उपभोगवाद में विश्वास रखने वाला युग है, पश्चात विचारों और जीवन शैली के प्रचार में इस प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पूर्वजों के आदर्श को याद करें और आचरण करना सीखें। तो यही क्या हो जाएगा, लास्ट प्रश्न का सोल्यूशन हो जाएगा। इससे आप लोग तैयार कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हेडिंग है उसको जरूर याद करेगा, क्योंकि आप लोग निबंध में हेडिंग ही याद करेगा, बाकी चीज अपने तरफ से लिखेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पेपर समझ में आ गया, इसको तैयार कर लेते हैं। अगर मैंने जैसे बताया उसे लिख लेते हैं तो आप 65+ नंबर फिक्स हो जाएगा। ये पेपर कैसा आपको लगा, क्या मुझे का वायरल मॉडल पेपर का वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास क्या है प्रत्येक विषय के 7-7 सेट क्या है वायरल मॉडल पेपर है जिसका मैं सोल्यूशन आपको कराने वाला हूं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं क्या करूंगा 6 और सेट डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ नोट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।